आई और जानकारी लेते हैं। बीएसएनएल के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं और कर्मचारी बहुत तादाद के अंदर यहाँ आए हैं, इनकी क्या मांग है, हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्रेश्वर सिंह है जी। मैं ये ऑल इंडियन एसोसिएशन का एक घटक हूँ। मेरे वैसे अपने संगठन का नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथी जयप्रकाश जी जो एफएटीओ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये प्रहलाद राय जी हैं ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, साथी एनडी राम जी एससीएसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और तमाम हमारे वैसे 15 यूनियन और एसोसिएशन हम एक साथ लड़ रहे हैं सरकार से, इसलिए कि हमारी कंपनी हमारा 10 वर्षों के बाद वेतन बढ़ाती है। अभी जो वेतन बढ़ाने की बात आई, हमारी कंपनी वेतन बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार उस पर रोक लगाती है। तो एक तो हमारा वेतन का समझौते का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, यह सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है। और दूसरा जो हमारा डिमांड है, हमारे कंपनी ने और हम लोगों ने मिलकर के 70,000 टावर अपने कमाई से, बीएसएनएल के कमाई से हम लोगों ने खड़ा किया है। आज के तारीख में सरकार उस टावर को अलग करके और अलग कंपनी बनाना चाहती है, सरकारी कंपनी ही लेकिन अलग करना चाहती है, और धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों के हाथ उसको सौंपना चाहती है। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। हमारे साथ 2,00,000 पेंशनर हैं, उनका पेंशन रिविजन नहीं हो रहा है 10 साल के बाद, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। हमारे साथ 40,00,000 नए इंजीनियर भर्ती किए गए हैं, उनका पेंशनरी बेनिफिट और रिटायरमेंट का कोई लाभ देने का अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, 18 वर्ष इस सरकारी कंपनी को बने हुए हो गए। तो इन तमाम मुद्दों के लिए हम संघर्षरत हैं, पिछले कई महीनों से हड़ताल करी, सत्याग्रह किया, और उसके बाद ये आज हम लोग संघर्ष पर सड़कों पर उतरे हैं। कल मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया है, अगर हमारी बातें सम्मानजनक नहीं हुई और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम संघर्ष करें, पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे, ये हमारा संकल्प है। सर सरकार कहती है बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, अच्छी सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2015 को बोला, बीएसएनएल डेवलप कर रही है, बीएसएनएल ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। ये कर्मचारी हैं जो 1,00,000 गांवों को जोड़ दिया डिजिटल इंडिया के लिए, ये लोग हैं जो हमारे ये स्पेक्ट्रम को खाली कर रहे हैं फौज के लिए, और हमारे लोग जहां भी सुनामी आता है वहाँ बीएसएनएल का नाम आता है, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आती है, तूफान आता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चेन्नई में हो, या जहाँ भी हो हम लोग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ सिक्योरिटी की समस्या है वहाँ बीएसएनएल के लोग जान हथेली पर लेकर के जाएंगे, अमरनाथ पर यात्रा कराने के लिए बीएसएनएल के लोग जाएंगे, और बीएसएनएल के लोग काम नहीं करते हैं तो बड़ा आश्चर्य की बात है, एक लाइन में कह देना है इसमें तो कुछ लगता नहीं है। सर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास का, बीएसएनएल का नहीं हो रहा, जो नारा है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का हिडन एजेंडा है सबका साथ सबका विनाश, और कुछ पूंजीपतियों का विकास, हमारे देश के पूंजीपतियों का विकास। आप देखिए अभी छोटा मोदी ने क्या किया बैंक को, विजय माल्या ने क्या किया बैंक को, ये लोग लाखों करोड़ों रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों का ऋण माफ कर देते हैं, बीएसएनएल को सारे पब्लिक सेक्टर को बेच करके अबानी अंबानी के झोली में डालना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी पर हम लोगों को थोड़ा भी विश्वास नहीं है। मोदी जी अगर विश्वास के पात्र होते तो हमारे ये 4,00,000 लोग, 2,00,000 कर्मचारी और 2,00,000 रिटायर लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या बात है। हम कमाते हैं, काम करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हमारा योगदान है इस देश में। जिस दिन टेलीकम्युनिकेशन का नाम नहीं था, विश्व के कई देशों में हमने स्टार्ट किया है और इस मुहिम तक, इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हमारा संदेश है। सर इतनी बड़ी बहुत तादाद के अंदर आप बीएसएनएल के कर्मचारी लोग यहाँ आए हैं, यहाँ देखने में आया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया यहाँ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एसएम न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अपने सारे यूनियन एसोसिएशन की तरफ से कि कम से कम एसएम न्यूज़ यहाँ पे आई है और हमारे ये कवरेज कर रही है। और इसके साथ ही बहुत शर्म की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, जो नेशनल चैनल्स हैं, यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि 5-10 आदमी जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ वो जाते हैं और अपने उसका कवरेज देते हैं। तो ये बहुत बड़ी शिकायत है। और चौथा स्तंभ होते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र के, ये बहुत ही शर्म की बात है। उन्हें ये सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए कि बीएसएनएल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बीएसएनएल में करीब 2,00,000 कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, और इस तरह से अगर इनका ख्याल वो नहीं रखेंगे तो यही बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी ये सरकार को सबक सिखाएंगे। और कहते हैं कि बीएसएनएल घाटे में है, बीएसएनएल घाटे में कैसे है ये भी एक बहुत बड़ा जांच
जांच का विषय होना चाहिए और फॉरेन एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सरकार कैसे कहती है कि बीएसएनएल घाटे में है। और अभी हम मेमोरेंडम देने अभी सेक्रेटरी से मीटिंग है, अब उधर हम जाएंगे, इसलिए आप यहाँ आए हैं, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम न्यूज को धन्यवाद।